कुछ कोडिंग प्रैक्टिस की थी लास्ट, क्या कर रहे थे हम डायलॉग फ्लो में लास्ट कोडिंग जो हमने की थी? ऑर्डर का स्टेटस हमने चेक कर लिया था या करना था? ये कोड मैंने खोला था यहाँ पे, अच्छा तो वेल जो भी हम कर रहे थे आज हम उसको थोड़ा सा ब्रेक दे के ना, आज हम थोड़ी सी थ्योरी वाली बात पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने काफ़ी प्रैक्टिकल कर लिया है अभी। तो अभी हमें आइडिया हो रहा है कि अच्छा यार कुछ जगहों पे ना हमें समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है ना। ये वाला भी चलेगा, उसका बटन दबाना पड़ेगा। अगर पॉसिबल हो तो इधर आ जाओ ना तुम लोग, ये वाले जो बैग के पीछे वाली सीट है। अच्छा तो ये एक बुक है जिसका नाम है वॉइस एप्लीकेशन फॉर अलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट, सही है। ये वाहिद बुक है अपने टाइम की जो अलेक्सा पे लिखी गई है और गूगल असिस्टेंट भी इसमें साथ में शामिल है, ठीक है। तो अगर किसी को, वैसे तो गूगल असिस्टेंट और अलेक्सा दोनों ही मार्केट से आउट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुका है दोनों का गेम, ठीक है। चैट जीपीटी के आने के बाद अलेक्सा तो बिल्कुल ख़त्म है। अलेक्सा वाले मोस्ट प्रोबेबली, अभी ये दोस्त से डिस्कस हो रही थी ब्रेक में, कि अलेक्सा वाले जो डिवाइस है ना वो तो ख़त्म हो गई। उसमें एक सर्टन लेवल की इंटेलिजेंस थी लेकिन अब वो इंटेलिजेंस जो है वो बहुत पीछे रह गई है चैट जीपीटी के आने के बाद। तो दो जगहों पे अलेक्सा बचेगी वापस। नंबर एक तो जो उनके स्मार्ट स्पीकर वगैरह होते हैं ना, जो JBL वगैरह के जो ब्लूटूथ स्पीकर हैं महंगे वाले, तो अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो अलेक्सा भी साथ में डाल देते हैं कि यार चलो खैर हो गई, अलेक्सा भी डाल दो उसमें। तो जितने भी स्पीकर्स हैं उसमें अलेक्सा होता है। अच्छा, कुछ में गूगल असिस्टेंट अलेक्सा दोनों भी होता है, ठीक है, कुछ में सिर्फ गूगल असिस्टेंट भी होता है। तो वो एक तो ये वाली साइड बचेगी इसकी। लेकिन घर पे जो लोग ख़रीद के असिस्टेंट रखते थे ना, उसका अब सेंस ख़त्म हो गया। वो भी क्योंकि मेरे पास भी गूगल असिस्टेंट की डिवाइस है घर पर, तो वो गूगल असिस्टेंट की डिवाइस जो है ना वो एक स्पीकर से ज़्यादा उसकी हैसियत नहीं है मेरे पास भी। या मैं टाइम वाइम पूछ लेता हूँ कभी उससे, या तो कोई सॉन्ग वॉन्ग प्ले कर दिया कभी स्पीकर पे, उसको बोल दिया यार फला सॉन्ग प्ले कर दो, उसको समझ आ गया तो स्पॉटिफाई से उसने ला के प्ले कर दिया, नहीं समझ आता तो वो मना भी कर देता है समटाइम, ठीक है। तो अलेक्सा का ये वाला साइड तो अगर जिनके घर पे मौजूद है ना, वो जस्ट एज अ स्पीकर मौजूद है। अच्छा, दूसरी साइड ना अलेक्सा मोस्ट प्रॉब्ली अमेजोन के स्टोर पर ना एज अ असिस्टेंट आ जाएगा अलेक्सा, क्योंकि एप्लीकेशन वाली साइट पे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया ना, कि लोग अपनी एप्लीकेशन बना के जो अलेक्सा पे पब्लिश करते थे, वो वाला गेम ख़त्म होने जा रहा है, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, कि भाई अलेक्सा के ऊपर बना के कोई पब्लिश करें। अलेक्सा की कस्टम डिवाइसेस जो हैं वो रहेंगी स्टिल। अलेक्सा की कस्टम डिवाइस होती है कि अपनी IoT की डिवाइस लेके उस पर अलेक्सा बना लो। तो अलेक्सा को काफ़ी, उसका जो ओरिएंटेशन है ना अलेक्सा की, वो काफ़ी चेंज होने वाली है चैट GPT के आने की वजह से। इससे पहले इनकी ओरिएंटेशन क्या थी कि स्मार्ट होम होगा और एप्लीकेशन होगी, दो चीज़ें होंगी। अच्छा, अब हमारा जो एक और असिस्टेंट है सीरी, सीरी भी फ़ोन में असिस्टेंट मौजूद है क्योंकि हर फ़ोन में अब एक असिस्टेंट चाहिए होता है आपको। तो iPhone के अंदर सीरी मौजूद है, अच्छा, और उन्होंने होम पॉड करके एक अलेक्सा के जैसी डिवाइस भी उन्होंने निकाली है, लेकिन उसमें ऐप बनाना अलाउ नहीं करते वो जस्ट उसको हमेशा उन्होंने मार्केट किया उसको एज अ स्पीकर, एज अ होम स्पीकर। तो वो स्मार्ट होम कंट्रोल करता है एप्पल का और वो स्पीकर है, दैट्स इट। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि हमारा ये इंटेलिजेंट है और आपको ये बोल देगा और ये वो ऐसे जवाब दे देगा, इंटेलिजेंस पे कभी उन्होंने कोई बात नहीं की। अच्छा, और उसमें छोटे मोटे फीचर हैं कि भाई वो कहते हैं अनाउंस एवरीवेयर दैट लंच इज़ रेडी ऐसे करके। तो अगर घर में आपके 3-4 लगे हैं स्पीकर या लोगों के फ़ोन हैं जो सेम नेटवर्क पे मौजूद हैं, तो उस पे अनाउंसमेंट कर देता है कि भाई डिनर इज़ रेडी। और अनाउंसमेंट क्या करता है, वो आपकी रिकॉर्डिंग ही चला देता है। आप बोलते हैं ना कि अनाउंस एवरीवेयर और उसके बाद आप जो बात कहते हो, तो वो आपकी बात को रिकॉर्ड करके वो जो है ना चला देता है, सब जगह पर प्ले कर देता है। तो ये छोटे मोटे इस तरह के फीचर हैं, लेकिन इंटेलिजेंस पे कभी उन्होंने कोई बात नहीं की और ऐप बनाना वो अलाउ नहीं करते। तो इतनी चीज़ तो वाइटल है जो, क्योंकि एप्पल वाले हमेशा जितनी चीज़ वाइटल होती है ना या कन्फर्म्ड होती है उससे एक स्टेप भी आगे नहीं जाते हो।
इवन दो के बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजीज होती हैं, वो सालों साल लोग उस पर काम करते हैं, जब वो स्टेबल हो जाती है ना बिल्कुल, फिर एप्पल वो उसको रिलीज़ करता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो एप्पल बना के ना 3-3 साल अपने घर पर उसने सजा के रखा है, क्योंकि उनके उनके ख्याल में वो स्टेबल नहीं था। ठीक है, सॉफ्टवेयर का इशू था, कोई पॉलिटिकल इशू था, कोई सोशल इशू था। जैसे एयर टैग उसकी एक मिसाल है, एयर टैग उनका एक ट्रैकर डिवाइस है, उसको बना के उन्होंने ना 2-3 साल अपने पास रखा था और उसको रिलीज़ नहीं किया था, क्योंकि उसके अंदर सोशल इशूज़ थे कि कोई अगर ट्रैकिंग कर ले किसी और की, तो वो सारे मसले उन्होंने सोच समझ के हल करके फिर जाके उसको रिलीज़ किया। तो ये तो एक तो एप्पल की साइड है, वो तो कभी भी सामने से बढ़ के कोई चीज़ रिलीज़ नहीं करने वाले। जब तमाम जगहों पे चीज़ सही हो जाएगी, सेट हो जाएगी, टेस्टेड हो जाएगी, ह्यूमन बिहेवियर का पता चल जाएगा, जब जाके वो रिलीज़ करेंगे। अच्छा, तीसरे जो है ये गूगल असिस्टेंट वाले, गूगल असिस्टेंट जो है वो पूरी तरह से लूज़ नहीं करेगा इस बैटल को। अलेक्सा के मुकाबले में ये थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करेगा इस बैटल में। रीज़न उसका ये है कि गूगल असिस्टेंट के पास मोबाइल जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो मोबाइल के अलावा भी है। एक तो एंड्रॉयड डिवाइसेस इतनी ज़्यादा हैं, एप्पल से ज़्यादा एंड्रॉयड के डिवाइसेस मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं, फिर उनका कार वगैरह का प्ले है, और फिर वो जो आपका टीवी वगैरह है इनका, जो स्मार्ट वॉचेस हैं, स्मार्ट गैजेट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, चलता नहीं है किसी भी गैजेट पर ये सही तरह गूगल असिस्टेंट, लेकिन मौजूद है। स्मार्ट वॉच पर यूज़ किया किसी ने गूगल असिस्टेंट? बहुत वाहियात चलता है, तुमने किया है? चलता किसी पे भी सही तरह नहीं है। अच्छा, टीवी में मैंने यूज़ किया है, जो इनका ये क्रोम कास्ट आया है, इनकी खुद की डिवाइस है ये, टीवी पे, इस पे सही चलता है। उस पे वो रिमोट का बटन दबा के बोलना होता है, हे गूगल वाला चक्कर ऑफ है इसमें, वो है ही नहीं, चलता ही नहीं है उसके अंदर। ठीक है, दबा के बोलना पड़ता है, और वो जो स्पीकर सिस्टम है उसी से उसका रिस्पॉन्स आता है। तो इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि ज़्यादा है, और जितनी भी जैसे टीवी डिवाइस है, टीवी में एक असिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, टीवी में एक असिस्टेंट चाहिए तो वो रहेगा वहाँ पे, बट एप्लीकेशन साइड जो है ना इसकी, वो इसकी भी मार खा जाएगी। अब अपनी एप्लीकेशन बना के ना कोई गूगल पे रिलीज़ नहीं करेगा, ये मसला ख़त्म हो गया। ठीक है, और अच्छा, गूगल असिस्टेंट को ये ख़ुद भी पता था कि यार ये होने वाला है, क्योंकि गूगल असिस्टेंट में क्या होता था, आप पहले बोलते हो हे गूगल टॉक टू फला फला ऐप, और फिर आप ऐप से बात करते हो, तो डबल क्रंच होता है। ये अलेक्सा में भी मसला है, गूगल तो गूगल वालों ने इस चीज़ को समझ लिया कि अच्छा यार ये तो डबल क्रंच होता है। एक दफ़ा मैं इसका, जैसे मेरा एक क्लाइंट था, वो बिलाल ऐप बना रहे थे, वो बजट था कि भाई हे बिलाल करके कहानी शुरू हो। मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, आप पहले बोलोगे हे गूगल टॉक टू बिलाल। अब बिलाल निकल के आएगा, ग्रीटिंग देगा कि हे आई एम बिलाल, आई हेल्प चाइल्ड टू रिमेंबर दिस, जो भी उसके ग्रीटिंग है वो बोलेगा वो। उसके बाद आप बोलोगे कि यार रीड सूरह फातिहा 3 times, वो कहता है नहीं, होगा कि हे बिलाल रीड सूरह फातिहा 3 times, दैट्स इट। अगर इस पे चल सकता है तो ठीक है, वरना बता दो। तो मैंने उसको कहा कि भाई ये इस पे नहीं चल सकता। अच्छा, उस पे फिर पॉसिबिलिटी तो भैर बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हो जाती ना किसी भी चीज़ की। तो मैंने उसको कहा कि यार इसके लिए अलेक्सा की कस्टम डिवाइस बनेगी, IoT का काम है, तो बजट बता दो फिर अपना तुम। तुम्हारे बजट में अगर है तो मैं, कंपनी है चाइना की, वो ये चीज़ें बनाती है, तो मैं उनसे बात करवा देता हूँ। तो मैंने उनसे बात करवा दी, मैंने कहा यार वो देख लो फिर आपस में। अब पता नहीं उनकी क्या कम्युनिकेशन हुई, वो भाग गया वो, सही है। फिर उसने बोला कि यार अब ना ये एंड्रॉयड की ऐप बनेगी। तो गूगल वालों को भी ये बात पता थी कि ये होने वाला है। गूगल ने अब क्या कर दिया है कि अब एंड्रॉयड की ऐप हुआ करेगी जैसी एक नॉर्मल एंड्रॉयड की ऐप होती है, उस ऐप के अंदर गूगल असिस्टेंट होगा। हर ऐप एंड्रॉयड की ना बाय डिफ़ॉल्ट गूगल असिस्टेंट होगी। आपने ऐप ओपन करनी है और ऐप ओपन करके आप उससे बात करेंगे गूगल असिस्टेंट से। ठीक है, अच्छा, मगर इसका भी फ्यूचर कोई इतना ब्राइट नहीं है, क्योंकि अगर मैं बोलूँ उसको कि हे गूगल टॉक टू बिलाल, या मैं बिलाल की ऐप खोलूँ, बात तो एक ही है ना। तो ये डबल क्रंच वाला मसला इसमें हल अभी भी नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन एक मसला हल हो गया है कि अब मैं ऐप से मैं बात कर सकता हूँ। जो वॉइस एप्लीकेशन की मेरी आप इनिशियल गुफ्तगू अगर सुनेंगे ना, पुराने लेक्चर्स मेरे सुनेंगे आप, तो उसमें ATM वगैरह की मैं मिसाल देता रहता हूँ अक्सर। तो अब ये होगा कि ऐप खोलने के बाद ना आप टैप वैप टच वच नहीं करेंगे, अब इन फ्यूचर ऐप खोलेंगे, अब ऐप से बात करेंगे। आपने बैंक की ऐप खोली, आपने कहा यार विदड्रॉ 3000, सही है, तो ऐसे करके आप बोलेंगे कि यार ट्रांसफ़र 3000 टू माई फ्रेंड बिलाल, ऐसे करके। पासवर्ड मांगेगा आपसे वो,
लेकिन जो चीज़ टैप वैप करते थे ना उसकी जगह वॉइस होने वाला है। ये एंड्रॉइड का जो डबल क्रंच को कैसे ख़त्म करेंगे, हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशन है ना, ये मसला है। अब हे गूगल पे वो जागता है, अभी इसमें आगे आ जाएगा कि वो हे गूगल को क्यों, आपका जो जवाब है ना अभी इस बुक में आगे है वो हम देखेंगे अभी, कि वो हे गूगल की जगह हे बिलाल अगर अलाउ कर दिया उन्होंने तो फिर तो वो फिर कुछ भी लिख सकता है ना उसमें तो बंदा फिर। अच्छा वो हे गूगल जो है वो ऑन डिवाइस एआई है, वो एआई क्लाउड पे नहीं है, वो डिवाइस के अंदर है कि हे गूगल वेक वर्ड डिवाइस के अंदर इंस्टॉल है, ठीक है। अलेक्सा के अंदर वो ऑप्शन है कि उसको आप हे कंप्यूटर कर सकते हैं, एक दो चीज़ें उसमें आप चेंज कर सकते हैं कि या हे जॉन कर सकते हैं, कोई आप नाम कस्टम दे सकते हैं, मगर ये कि वो एक नाम होता है उस नाम पर वो डिवाइस वेक करेगी ना। अगर वो एक 2000 नाम हो या 20000 नाम हो तो वो किस किस पे वेक करेगी, फिर तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अपने दोस्त को बुलाएंगे, आप कहेंगे यार बिलाल, तो वो जाग जाएगा वहाँ पर, है ना। हे बिलाल तो बोलेंगे ना लोग आपस में एक दूसरे को, तो बात तो करेंगे, तो हे बिलाल पे वो भी सुन रहा होगा, जाग जाएगा। तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, ठीक है। किसी एक जगह पे हे बिलाल हो ना तो वो भी, तो वो अलेक्सा में अगर आपने खुद से चेंज कर दिया ना उसको, अलेक्सा की जगह बिलाल कर दिया, तो आप बिलाल बोलेंगे तो वो जागेगा। लेकिन मसला ये है कि आप बोलेंगे फिर कि बिलाल टॉक टू बिलाल, तो फिर डबल क्रंच और बुरा लगेगा ये। वेल तो गूगल असिस्टेंट के अंदर अब क्या होगा कि एंड्रॉइड की ऐप ना, हर ऐप गूगल असिस्टेंट इटसेल्फ है। अब आप ऐप खोल के और ऐप से आप बात करेंगे, और ऐप में जो जो फंक्शनैलिटीज़ होती है वो आप टैप टच भी कर सकते हैं और आप बात भी करेंगे उससे, बोल के होगा वो सारा, ठीक है। अब स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, अगर तो बात करके होगी कहानी सारी तो स्क्रीन तो अब यूज़लेस हो गई फिर, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली स्क्रीन के ऊपर ना डेटा को विजुअलाइज़ किया जाएगा, जैसे सीरी से भी अभी हम बात करते हैं ना, तो स्क्रीन पे अगर मैंने पूछा ना व्हाट्स द वेदर, तो स्क्रीन पे वेदर का वो कार्ड वार्ड बना के दिखा रहा होता है। तो इस तरह से कुछ चक्कर चल रहा होगा कि इवेंचुअली क्या होगा कि ये बैंक वैंक की जो ऐप्स है ना, या तो ये टच एंड टाइप पे चलेंगी, जैसे टच एंड टाइप होता था ना कि टाइप कर लो या टच कर लो, तो इसका क्या नाम होगा कि वॉइस एंड टच। तो वॉइस एंड टच का कॉम्बिनेशन या तो चलेगा, अब ये अननोन है चीज़, ये वक्त बताएगा कि क्या होगा, वॉइस और टच का कॉम्बिनेशन चलेगा, या तो टच आने वाले दौर में ये जो ऐप्स हैं, ऐप कंपनीज जो ऐप बना रही हैं, यानी अल्फाला बैंक, मीज़ान बैंक, ये लोग जो ऐप बना रहे हैं, ये टच का सिस्टम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, ये प्योरली ये वॉइस पे चल रहा होगा मे बी। बट ये चीज़ डिपेंड करती है कि वॉइस कितना डिपेंडेबल होता है इन फ्यूचर, क्योंकि हो तो गया है अभी विस्पर के आने से ना, काफ़ी बदलाव आ गया है मामले में। चैट जीपीटी तो जो है ना, जो ओपन एआई वालों ने जो बनाया है, तो GPT-3 बेस एप्लीकेशन है ये, तो GPT-3 बेस वॉइस रिकग्निशन भी आ गया, उसका नाम है विस्पर, तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू गूगल का जो पहले से बना हुआ है स्पीच टू टेक्स्ट है। तो डिपेंड करता है ये कि अब वो कितनी तेज़ी से तरक्की करता है, तो ये होने वाला है, ये इन फ्यूचर, अभी नहीं तो ये 5 साल बाद ये होगा। अच्छा तो ये एक मोटी मोटी सूरत हाल थी, करंट अफेयर की बात थी जो मैंने ये आपसे शेयर कर ली। अब हम ये बुक में आ जाते हैं, ये बुक वैसे अलेक्सा की बुक है, लेकिन इसके अंदर बुक के जो शुरू में जो बात हुई हुई है ना, यानी इंट्रोडक्शन टू वॉइस फर्स्ट, ये जो मैंने आपसे भी बात की ना कि ऐप खोल के बंदा उससे बात करेगा, टच भी रहेगा ऑप्शन लेकिन वॉइस फर्स्ट होगा, तो अब ये इंट्रोडक्शन टू वॉइस फर्स्ट, तो ये हमारे मुद्दे की बात है, ये वो बात है जो जनरल है कि अगले 10 सालों के लिए वैलिड है ये बात, चाहे अलेक्सा हो या नहीं हो, चाहे गूगल असिस्टेंट हो या नहीं हो। इसने अलेक्सा के कॉन्टेक्स्ट में बात की है लेकिन अलेक्सा की बात नहीं है, ये जनरली बात ये ट्रू है। अच्छा तो चैप्टर में क्या कवर कर रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग वॉइस फर्स्ट, डिज़ाइनिंग फॉर वॉइस। अब डिज़ाइन की जब मैं बात करता हूँ तो डिज़ाइन की एक गुफ्तगू यहाँ पे हो चुकी है पहले, फंक्शनल डिज़ाइन से मुताल्लिक ये हुई है हमारी बात, व्हाट इज़ डिज़ाइन, बैच 8 में हुई थी वो। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि वो हर क्लास में एक गुफ्तगू वो रहे, क्योंकि वो डिज़ाइन की अंडरस्टैंडिंग ना बहुत वाइटल है, किसी भी फील्ड में आप हो, दुनिया की किसी भी फील्ड में हो ना, डिज़ाइन की अंडरस्टैंडिंग आपकी होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको जो डिज़ाइनर होता है ना, ये मैं इस डिज़ाइन वाले डिज़ाइनर की बात कर रहा हूँ, डिज़ाइनर जो होता है उसका दुनिया को देखने का जो नज़रिया होता है ना, बिल्कुल फ़र्क होता है वो आम लोगों से। अच्छा तो नज़रिया उसका फ़र्क क्या होता है, वो आम लोग जिस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं ना, वो एक आम आदमी की नज़र से दुनिया को देखना जानता है।
एक आम आदमी की नज़र से दुनिया को देखना ना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मिसाल के तौर पे एक पढ़ा लिखा बंदा, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि आम आदमी की नज़र से दुनिया को देखने का क्या मतलब है, एक पढ़ा लिखा आदमी जो मतलब मेन मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता है, अच्छी अच्छी आम इनकम है उसकी, अच्छे घर में रह रहा है, फ्लैट व्लैट में अच्छा अपना है उसका, गाड़ी वाड़ी अपनी है उसकी, खुद से ट्रैवल कर रहा है, सारी लग्जरीज उसको अवेलेबल है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता है वो। उस बंदे के लिए, एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि किसी विलेज में रहने वाले की नज़र से दुनिया को देख पाए, उसको कभी ख्याल ही नहीं आएगा, वो एक अपनी मस्ती में लगा हुआ होता है। डिज़ाइनर जो होता है ना, उसके पास ये हुनर होता है। मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा डिज़ाइनर जो है वो इसी पे बनता है कि वो आम आदमी की नज़र से ना दुनिया को देखना जानता है, और जो चीज़ उस देखने में भी आम आदमी को जो चीज़ नज़र नहीं आती ना, वो उसको देख लेता है। अच्छा, तो व्हाट इज़ डिज़ाइन, तो ये गुफ्तगू है हमारी। तो ये पहले थोड़े से हम दो चार मिनट की ना ये बात कर लेते हैं कि डिज़ाइनिंग फॉर वॉइस का मतलब है, तो डिज़ाइन क्या है इन द फर्स्ट प्लेस। तो डिज़ाइन इज़ समथिंग फंक्शनल, ये एक डिज़ाइन की डेफिनेशन है, ये हमारे एक दोस्त हैं आसिफ शाह, उनसे सीखी है मैंने, डिज़ाइन इज़ समथिंग फंक्शनल। तो अब तो खैर पता नहीं कहाँ है वो, अच्छा हैं पढ़ाते हैं अभी भी, अच्छा 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 फिग्मा की, बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं वो, बहुत अच्छे आदमी भी हैं, बड़े हम्बल भी हैं और तमीज़ वाले बंदे हैं वो, और अच्छे डिज़ाइनर हैं। तो डिज़ाइन इज़ समथिंग फंक्शनल, मिसाल के तौर पे आप जिस चेयर पे बैठे हैं, इस चेयर के चार पैर हैं है ना, क्या ये तीन भी हो सकते थे, क्या ये चार पैर होना इसका डिज़ाइन है? क्या मोटरसाइकिल की टंकी पे जो प्रिंट बना हुआ होता है, क्या वो डिज़ाइन है? क्या इस शर्ट का जो कलर रेड है, क्या ये इसका डिज़ाइन है? अच्छा, ये जो चश्मा है मैंने जो लगाया हुआ है ग्लासेस, ये ऐसे दो गोल गोल सामने और एक ऐसे डंडी पीछे जा रही है, तो व्हाट इज़ द डिज़ाइन एलिमेंट ऑफ दिस चश्मा? कोई मुझे ज़रा सा आप में से खड़ा होकर बताए वैसे ही कि आपके ख्याल में आप किस चीज़ को डिज़ाइन समझते हैं, व्हाट इज़ डिज़ाइन? एक तो मैंने वर्ड दी ना कि डिज़ाइन इज समथिंग फंक्शनल, कोई भी आप में से कुछ बोलना चाहे वो बैन, हम आमतौर पर शेप को देख के डिज़ाइन ऐसे इन्होंने बताया कि ये समझ रहे होते हैं। अच्छा, तो शेप डिज़ाइन हो भी सकता है, डिज़ाइन नहीं भी हो सकता है, सही है? अच्छा, मिसाल के तौर पे ये जो एसी सामने लगा हुआ है, पलट के देख लो, सब देखना चाह रहे हो, इसके ऊपर जो हवा का जो एग्जिट है, ये जो ठंडी हवा फेंक रहा है, ये इस ऐसे अलमारी की शेप का ये एसी है, ठीक है, ज़मीन पे खड़ा हुआ है, और नीचे की साइड से ये क्या ले रहा है, इनपुट ले रहा है, और टॉप से ये हवा को एग्जिट कर रहा है, तो ये शेप है इसका। अच्छा, एक एसी होता है वो ऊपर लगा हुआ होता है ऐसे दीवार पे, इसको स्प्लिट एसी कहते हैं, है तो ये भी वैसे स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है इनर और आउटर होता है वो। उससे पहले ज़माने में वो दीवार को काट के लगाते थे, तो आधा हिस्सा आधर आधा हिस्सा बाहर होता था, तो इनर आउटर का कॉन्सेप्ट, तो अब उसको स्प्लिट कर दिया कि अंदर आप जहाँ भी लगाओ, आप वायरिंग खींच के छत पर जाके आउटर लगाओ, ये वाला चक्कर है। तो स्प्लिट तो ये भी है वो भी है, तो दीवार पर एक लगने वाला एसी होता है, उसमें क्या होता है कि वो हवा को ऊपर से इंटेक ले रहा होता है और उसके नीचे से एग्जिट कर रहा होता है। अच्छा, तो ये शेप में इसके डिज़ाइन है, बहुत बड़ा डिज़ाइन एलिमेंट छुपा हुआ है। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, मैं दो चार इस तरह की एग्जांपल देके ना, और उसके डिज़ाइन एलिमेंट आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और उससे आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि डिज़ाइन असल में होता क्या है। देखो, आइडियली तो होना ये चाहिए था कि एसी का एग्जिट होता नीचे, है ना, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये फ़ैन इसका मुँह में नीचे करता हूँ, हमेशा फ़ैन का मुँह नीचे करता हूँ ताकि नीचे से ये ठंडा है और नीचे से ऊपर तक ठंडा करता जाए, है ना,
लेकिन असल में थर्मोडायनेमिक्स एक फील्ड होती है जो हीट और कूल की जो स्टडी होती है वो हमें ये बताती है कि ठंडी हवा हमेशा नीचे की तरफ जाती है और गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। मिसाल के तौर पे इस रूम के अंदर फ्लोर के अगर फ्लोर से मैं 4 इंच ऊपर अगर सेंसर को रखूँ और इसकी रीडिंग लूँ, फ्लोर जो है ज़मीन से 4 इंच ऊपर रखूँ अगर सेंसर को और उसकी रीडिंग लूँ, और फिर छत के ऊपर जाऊँगा मैं और छत से 4 इंच के फासले पे अगर मैं रीडिंग लूँ, छत से चिपका के नहीं क्योंकि छत तो गर्म होती है, छत से थोड़ा नीचे करके मैं रीडिंग लूँ, तो छत की रीडिंग जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा आएगा, फ्लोर की जो रीडिंग है वो टेम्परेचर कम आएगा। ठीक है, क्योंकि इस कमरे में बाई डिफॉल्ट अगर कोई भी हीट प्रोड्यूस, इस लैपटॉप से कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, वो हीट सीधा ऊपर जा रही है, और जो हीट जब ऊपर जाएगी ना तो ऊपर मौजूद जो हवा है ठंडी होगी, जाहिर है थोड़ी बहुत इससे ठंडी होगी, जब ये ऊपर जा रहा है वो ठंडी हवा ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी, तो नीचे का सरफेस हमेशा ठंडा रहेगा और ऊपर का सरफेस हमेशा गर्म रहेगा। सही है। अच्छा, यही वजह है कि आपका जो एग्जॉस्ट फैन होता है वो बाहर की तरफ हवा को फेंकता है, एग्जॉस्ट फैन कभी भी अंदर हवा नहीं लेकर आता, आपने नोट किया होगा। एग्जॉस्ट फैन लगाया जाता है बिल्कुल टॉप पे दीवार के ऐसी जगह पे कि छत से थोड़ा सा फासला होता है, बस छत से आमतौर पे 4-5 इंच या 6 इंच या 1 फिट नीचे होता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितना हाई सीलिंग है ना, डिपेंडिंग ऑन। तो अच्छा, वो बाहर फेंक रहा होता है तो वो कर क्या रहा होता है असल में, क्योंकि ऊपर वाली जो ऊंचाई होती है कमरे में, जो छत के करीब की जगह होती है, वहाँ पे गर्म हवा स्टे करती है जाके। मिसाल के तौर पे इस कमरे में जो गर्मी फील हो रही है अभी आपको, वो इसलिए फील हो रही है कि वो छत पे जो जाके से जमा हो रही है ना वो हीट, उसको एग्जिट का कोई रास्ता नहीं है उसके पास। अच्छा, तो एग्जॉस्ट फैन ना इसलिए टॉप पे लगाता है तो वो हवा को बाहर फेंकता है। अच्छा, अब हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन आप ये यूरोप में और अमेरिका में आप देखेंगे ज़मीन में जाली बनी हुई होती है, जैसे ये बना हुआ ना यहाँ पे जहाँ वायरिंग के लिए जो सुराख किया हुआ है उन्होंने, इस तरह वो लंबी सी पूरी होती है, जाली होती है ज़मीन में, और गेट होता है सील। गेट हमारे तरह ये झिरी विरी नहीं होती गेट में, गेट आमतौर पर सील होता है पूरा, आवाज़ वगैरह कुछ भी बाहर नहीं जाती। तो जाहिर है जब वो वहाँ से बाहर को हवा को फेंक रहा है तो कहीं से हवा अंदर भी आएगी फिर, क्योंकि वैक्यूम तो बनेगा नहीं ना रूम में, वैक्यूम तो नहीं बनेगा, तो उन्होंने इनटेक के लिए ना ज़मीन पे जगह छोड़ी हुई होती है, ज़मीन से हवा अंदर आ रही होती है, तो ऑटोमेटिक गर्म हवा बाहर, और चूंकि इनटेक नीचे की तरफ से है तो ऑटोमेटिक नीचे वाली जगह ठंडी होती है, तो वो ठंडी हवा अंदर आ रही है, अल्टीमेटली पूरा रूम ठंडा हो जाता है बगैर एसी के। अच्छा, इसी तरीके से अरब में इस चीज़ के लिए वो क्या करते हैं, अरब में क्या करते हैं कि एक एग्जॉस्ट फैन के लिए तो बिजली चाहिए, अच्छा बगैर बिजली के भी एग्जॉस्ट वाला काम हो जाता है। ये रूम है ना, इस रूम के चारों किनारों पे मीनार बन जाएंगे चार। ठीक है, अब वो उस मीनार वो कितना उसकी मतलब कितना पाइप, एक्चुअली जो पीवीसी का पाइप होता है ना हमारा, वो बस आपने क्या करना है कि चारों कोनों पे ना वो पाइप लगा देना है, और बस उस पाइप से आप झांके तो आपको आसमान नजर आए, दैट्स इट। अच्छा, वो क्या होता है फिर, चार कोनों पे चार पाइप लगा दिए, या सीमेंट का बनाते हैं आमतौर पे, या मिट्टी वगैरह का बनाते हैं, ईंट का बनाते हैं, ठीक है, पीवीसी का नहीं बनाते क्योंकि पीवीसी गर्म नहीं होता, सीमेंट सबसे ज़्यादा गर्म होता है और होल्ड करके रखता है, या तो लोहे का होगा या तो सीमेंट का होगा जो गर्म होता है फ़ौरन। अच्छा, क्या होगा फिर, ऐसे वो चार मीनार चारों साइड से निकल गए, अब जब धूप निकलेगी ना कड़क धूप, तो वो मीनार गर्म होंगे। अच्छा, वो गर्म होने से क्या होगा कि उस मीनार के अंदर मौजूद हवा जो है वो गर्म हो जाएगी, जैसे ही वो गर्म होगी वो भागेगी ऊपर की तरफ, और ऑटोमेटिकली एक जाहिर है जब रूम से हवा इतनी तेज़ी से बाहर की तरफ वैक्यूम करके खींचेगा वो, तो कहीं ना कहीं से हवा इनटेक भी होगी। अच्छा, तो अगर आप अरब में या यहाँ पे भी कोई अगर मीनार वाली जगह है, सख्त गर्मी के लिए ना ये आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया गया है कि मीनार हो बना हो, मीनार वाली जगह पे बैठेंगे ना तो आपको बकायदा लगेगा यहाँ से हवा ऐसे चल के आ रही है, ऐसा लगेगा कि फ़ैन के आगे खड़े हैं आप, हवा कंटिन्यूस ऐसे मुंह पे हवा लग रही होगी आपके, और ऐसे निकल रही होगी ऊपर से चारों कोनों से बाहर। तो थर्मोडाइनेमिक्स हमें ये बताता है, और ये डिज़ाइन है, ये मीनार जो है ना उस पर जो खूबसूरत सा बना हुआ होता है, उस पर कलर किया होता है, फूल पत्तियाँ बनाई हुई होती हैं, दैट इज़ नॉट द डिज़ाइन, डिज़ाइन इज दिस
कि वो मीनार की एक फंक्शनैलिटी है, वो क्या करता है, खुद गर्म हो जाता है और अपने अंदर मौजूद हवा को भी गर्म कर लेता है, और वो हवा गर्म होती है तो ऊपर की तरफ भागना शुरू होती है और नीचे से वो सक करती है फिर हवा, और कमरे में कहीं ना कहीं एक इनटेक होता है जो नीचे की तरफ होता है, ऊपर की तरफ नहीं होता, नीचे की तरफ, तो ज़मीन से टच करके वो हवा को इनटेक कर रहे होते हैं। इसके लिए एक काम और भी करते हैं ये कि ज़मीन में खड्डा खोदते हैं, ज़मीन में खड्डा खोद के ना यूं बाहर निकालते हैं ताकि वो ऐसे यूं बाहर आए, ज़मीन से निकले हवा, ज़मीन से होती है, लेकिन इसकी ज़रूरत आमतौर पर नहीं पड़ती, मीनार से ही काम हो जाता है। तो हमने डिज़ाइन एलिमेंट देखा बिना, अच्छा फिर उस मीनार में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि वो क्योंकि वो ऊपर से खुला हुआ है, कभी बारिश होगी तो उससे पानी अंदर आएगा, कोई परिंदा उस पर बैठेगा पॉटी करेगा तो वो अंदर आएगी, अब क्या करें, उसको ऊपर से ढक देंगे और क्या करेंगे, है ना। मीनार की आमतौर पे जो शेप होती है वो अगर आप देखेंगे तो वो आमतौर पे ना ऊपर से ढका हुआ होता है, सही है, ये एक टिपिकल मीनार है ना, तो ये सीधा पाइप है, ऊपर से नहीं खुला हुआ, ये थोड़ा साइडों से खुला हुआ है यहाँ से, तो ये जब इवेंचुअली पूरा मीनार जब भी गर्म होगा ना तो इसके दरमियान में मौजूद हवा जो है वो भी गर्म होगी, लेकिन वो एग्जिट यहाँ साइड से होगी, इस जगह से, टॉप से नहीं होगी, ठीक है। ये तो काफ़ी मतलब नक्शो निगार वाला मीनार है, लेकिन जो है ना वो अगर आप वो देखेंगे ना, ये आप देख रहे हैं कितने सारे मीनार बने हुए हैं इसमें, इनकी ये फंक्शनैलिटी है एक्चुअल में, ठीक है। अब से हमारे यहाँ जो आजकल मस्जिदें बनती हैं उसमें तो आई एम नॉट श्योर कि वो ये वाला चक्कर है या नहीं है, हाँ बस ऊपर वो रख देते हैं और उसका नीचे से बंद कर देते हैं उसको, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये फंक्शनैलिटी इसकी है क्या। तो हमारे यहाँ जो मस्जिदों में जो मीनार लगे हुए हैं दैट इज़ एक्चुअली नॉट ए डिज़ाइन, हाँ अच्छा डिज़ाइन, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि डिज़ाइन इज समथिंग फंक्शनल, ये फंक्शनल हो गया। अच्छा एग्जॉस्ट फैन जो है क्या वो डिज़ाइन है, अगर मैंने इस रूम में एग्जॉस्ट फैन यहाँ पे लगाया हुआ है तो क्या वो इस रूम के डिज़ाइन का पार्ट समझा जाएगा या नहीं, यस फंक्शन है, वो इस रूम को ठंडा रखता है, एग्जॉस्ट फैन इस रूम को ठंडा रखता है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ डिज़ाइन, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से बात हो रही थी एसी की, एसी के डिज़ाइन की बात हो रही थी, तो क्या ये जो टॉप से हवा को बाहर फेंक रहा है क्या ये इसका डिज़ाइन है, क्या जो एसी ऊपर लगे हुए होते हैं वो ऐसे यहाँ पे छत के करीब और वो ठंडी हवा वहाँ से फेंक रहे होते हैं तो क्या वो डिज़ाइन है, क्यों बिल्कुल सही पकड़ लिया, क्योंकि आम तौर पे जो सीलिंग है आपकी उसमें ऊपर की तरफ गर्म हवा होती है, ठीक है। अच्छा तो वो ऊपर की तरफ लगा हुआ है और वो ऊपर से ही इनपुट लेता है, ऊपर से ही इनपुट लेके वो और क्या करता है, वैसे तो नीचे से वो एग्जिट कर रहा है लेकिन आपके लिए फिर भी वो ऊपर ही है तो आपके सर पे से वो फेंक रहा होता है ठंडी हवा। अच्छा अब वो ठंडी हवा जो फेंकेगा ना सर से आपके, वो ऐसे फेंकेगा यूं, तो यहाँ तक तो वो आएगी प्रेशर से, उसके बाद क्या होगा, वो हवा उसके बाद कहाँ जाएगी, नीचे आना शुरू हो जाएगी, तो वो एक्चुअली आपके ऊपर ना जो एसी लगा हुआ होता है आमतौर पे वो आपके ऊपर ना शावर कर रहा होता है ठंडी हवा। अच्छा वो ऐसे ऊपर यूं फेंकेगा प्रेशर से हवा को और वो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर नीचे आएगी आपके ऊपर। अच्छा जब वो ठंड नीचे आएगी तो नीचे जो हवा है मौजूद वो ज़ाहिर है निस्बतन अगर गर्म है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऊपर चली जाएगी, है ना, बाई डिफ़ॉल्ट वो ऊपर चली जाएगी। अच्छा और फिर ये साइकिल चलता रहेगा, वो ठंडी हवा यूँ फेंकेगा ऐसे शावर होगी, गर्म हवा ऊपर जाएगी और गर्म हवा को वापस सक कर लेगा, तो ये एक साइकिल इस तरह चल रहा है। अच्छा मगर इस वाले एसी में, इस पर्टिकुलर एसी में जो यहाँ लगा हुआ है अलमारी वाला एसी जो है, इसका कोई होता होगा नाम मुझे नहीं पता, टावर एसी। अच्छा इस पर्टिकुलर एसी के अंदर ये इनपुट लेता है नीचे से और आउटपुट देता है ऊपर से, इसका क्या डिज़ाइन एलिमेंट है बताओ, आया कि इसमें कोई डिज़ाइन एलिमेंट है भी या नहीं है,
वो तो उसको पता होगा कि है भी है नहीं है जिसने इसको डिज़ाइन किया है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि जिसने, आई एम नॉट श्योर कि इसको किसी डिज़ाइनर से उन्होंने डिज़ाइन करवाया है, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। लेकिन हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जानबूझ के या गलती से क्या इसमें कोई डिज़ाइन एलिमेंट छुपा हुआ है। नीचे से इनपुट ले रहा है और ऊपर से एग्जिट कर रहा है, इनपुट ठंडी हवा ही इनपुट ले रहा है, अच्छा। ये वाले जो टावर ऐसी है ना, ये आमतौर पर बड़े स्पेसेस के लिए होते हैं, सही है। ये आमतौर पर क्या होता है, बड़े स्पेसेस के लिए होते हैं। अच्छा एक चीज़ और भी बाई द वे होती है, एक होती है हाई सीलिंग। कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे आपने देखा छत बहुत ऊंची होती है, मतलब 3 मंजिलें जितनी ऊंची होती है छत, हॉल वगैरह में, बैंक्वेट में, या कुछ मस्जिदें वगैरह भी आजकल वो हाई सीलिंग होती हैं, या कुछ बड़े लोग जो हवेली बनाते हैं तो वो हाई सीलिंग बनाते हैं, शॉपिंग मॉल्स में हाई सीलिंग होती है। तो वो हाई सीलिंग भी यही चक्कर है, डिज़ाइन का एलिमेंट है उसके अंदर भी एक। हाँ, गर्म हवा का ज़्यादा ऊपर, गर्म हवा को ना हमने स्पेस बहुत सारी दे दी है, ऊपर जमा रहे, ठीक है। तो गर्म हवा को स्पेस हमने इतना सारा दे दिया कि वो नीचे ठंडी हवा स्टे कर रही है, और जो नीचे से गर्मी ऊपर जा रही है ना, वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाके, और हवा हमेशा गर्म नहीं रहती, इवेंचुअली वो खुद ठंडी हो जाती है, क्योंकि गर्म है ना वो, वो जब हीट, जब गर्म हवा छत से जाके चपक जाएगी तो वो अपनी गर्मी को डिपॉजिट कहाँ करेगी, छत में, क्योंकि असल में हवा ऊपर नहीं जा रही है, असल में तो हीट ऊपर जा रही है। तो वो हीट इज़ अ एनर्जी। अब वो गर्म चीज़, मिसाल के तौर पे ये छत है और ये गर्म फ्राई पैन है मेरे हाथ में, तो उसको मैं छत से अगर चिपका के रखूँ तो हीट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है, छत थोड़ी देर में गर्म हो जाएगी, है ना। ये ज़मीन जैसे दस्तखान में आमतौर पर कोई गर्म पतीली होती है, उसको हम हटाते हैं जब, तो दस्तखान गर्म हो चुका होता है, तो असल में तो हीट ट्रांसफ़र होती है। तो अगर गर्म हवा बहुत देर तक छत से जाके चपकी रहे तो ऑटोमेटिकली वो हवा ठंडी हो जाती है, क्योंकि वो अपनी हीट को ट्रांसफ़र कर देती है छत में, और छत से वो हीट फिर और ऊपर की तरफ चली जाती है जहाँ भी उसने जाना होता है। तो अच्छा बाय द वे, अब वो छत से तो बाहर निकल गई, अब वो और ऊपर जाएगी, 2000 फीट की बुलंदी पे पहुंच गई वो हीट, अब वो कहाँ जाएगी, ऊपर ठंड होती है असूलन तो 2000 फीट पे तो कुत्तों वाली गर्मी होनी चाहिए, लेकिन ठंड होती है, ऐसा क्यों। असल में उसका मेन रीजन, उसके दो रीजन है मेन, एक तो ये कि हीट प्रोड्यूस जमीन से हो रही है, ग्राउंड से हो रही है ना, जमीन से हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब वो हीट प्रोड्यूस जमीन से हो रही है तो नीचे से ही ऊपर जा रही है, ऊपर से कोई हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, नीचे आ रही होगी, समझ रहे हो। तो नीचे से हीट प्रोड्यूस हो रही है तो नीचे से ऊपर जाती है, तो वो इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट होते होते वो ऊपर जाके वो ठंडी हो जाती है हीट, वहाँ से वो बाहर निकल जाती है। तो हवा तो वहाँ स्टक हो गई ना, एक सर्टेन पॉइंट पे जाके हवा स्टक हो जाती है, लेकिन वो हीट एग्जिट हो जाता है, तो इस वजह से ऊपर ठंड होती है, क्योंकि हवा वो वहाँ स्टक है। अच्छा वो हवा कंटिन्यूसली जाहिर है वो नीचे आ रही है, और नीचे से वो ऊपर जा रही है, और ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है। दूसरी बात, हीट एक तो इनिशिएट हो रही है ना, तो इनिशिएट कैसे हो रही है, हीट हीट तैयार कैसे हो रही है, बन कैसे रही है। एक तो तरीका ये है कि जैसे लैपटॉप वैपटॉप है, हम खुद हैं, हम 37 डिग्री के हीटर है, हम चलते फिरते हैं खुद, और हम जो मशीनरीज चलाते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, मिल फैक्ट्रीज चलाते हैं, वहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है। तो एक तो ये वाली हीट की बात हो रही थी अभी के कॉन्टेक्स्ट में। एक और भी सोर्स है हीट का, वो है सन। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि सूरज जब हमारे यहाँ पे सर्दियाँ होती हैं तो कैसे होती है वो,
अच्छा ये भी बात सही है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि सूरज का और ज़मीन का फासला थोड़ा कम हो जाता है तो सर्दियाँ हो जाती हैं। जी हाँ, गर्मी होनी चाहिए है ना, ये एक बात है। ये भी थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कि जो आग होती है ना, आग वगैरह की सारी स्टडी थर्मोडायनेमिक्स में होती है, तो आग जो होता है उस वो सबसे ज़्यादा हीट कहाँ पे प्रोड्यूस करता है, टॉप पे प्रोड्यूस करता है अपना। जहाँ से मोमबत्ती जब जल रही होती है तो उस मोमबत्ती के उस निब में, और अगर मैं यहाँ पे कैंडल जब दिखाऊँ इमेजेस, कोई ये कैंडल हमने उठा ली, अब ये कैंडल की जो सबसे ज़्यादा हीट है ना वो यहाँ दरमियान में कहीं लाया करती है या इस टॉप पे कहीं लाया करती है, नीचे की तरफ ना ये देख रहे हो फासला एक थोड़ा सा, यहाँ पे हीट कम होती है। ठीक है, तो सूरज भी काइंड ऑफ एक कैंडल है ना, एक हीट का सोर्स है। तो सूरज जब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारा, मिसाल के तौर पे ये जो ग्लास पड़ा हुआ है ना, ये हमारा अर्थ है, तो जब सूरज की रोशनी यहाँ पे लग रही होती है ना जब, तो अच्छा सूरज भी एक ऐसी जगह पे अलाइन है ना कि हमारे यहाँ टेम्परेचर परफेक्ट है, है ना। अगर वो सूरज थोड़ा सा दूर हो गया ना अगर, तो वो गर्मी हो जाएगी। सही है, गर्मी क्यों हो जाएगी, क्योंकि टॉप पे कहीं लाया करता है जो। अब ये तो जाहिर है, अभी इसको मैं सूरज कैसे यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करूँ, सूरज को डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सूरज है ना, यहाँ से ये निकल रही है इसकी, ऐसे बना के दिखाते हैं बच्चों को सूरज। अब इसका जो एक सर्टन रेडियस है, मिसाल के तौर पे इतने रेडियस के अंदर ना एक हीट का एक सर्टन डिग्री है। अच्छा, इस रेडियस के अंदर वो फिर बढ़ जाता है थोड़ा, फिर अल्टीमेटली वो कम भी हो जाता है। जाहिर है बहुत दूर जब आप हो जाते हैं तो वो कम हो जाता है। तो एक ये पूरा जो डिस्टेंस है ना, इसमें इस जगह पे कहीं पे ना मैक्सिमम हीट लाया करती है। तो जो चीज़ इस जगह पे आ गई ना, वो सबसे ज़्यादा हीट वो एब्जॉर्ब कर रही होती है। ठीक है, तो अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि हीट प्रोड्यूस कैसे होती है। तो हीट प्रोड्यूस होने का एक तो मशीनरीज वगैरह से होती है, एक ही होता है कि ज़मीन पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है ना तो ज़मीन गर्म हो जाती है। ठीक है, और इस गर्म होने की वजह से फसलें उगती हैं, बहुत सारा इसकी वजह से प्रोसेस चलता है। तो दैट इज़ एन अल्टीमेट डिज़ाइन, अल्लाह ताला का बनाया हुआ डिज़ाइन है कि वो एक सर्टेन डिस्टेंस है हमारा सूरज से, जिसकी वजह से वो ज़मीन गर्म होती है, सूरज की रोशनी पड़ती है और उससे पूरा सब कुछ निज़ाम चलता है। ठीक है, लाइफ एग्जिस्ट करती है उस हीट की वजह से। तो ज़मीन जब गर्म हो जाती है ना, जाहिर एक सर्टेन टाइम तक सूरज की रोशनी पड़ रही होती है खास जगह पे, फिर वो दूसरी तरफ चली जाती है तो इस तरफ का ठंडा होने लगता है। ठीक है, फिर उस तरफ से इधर आती है तो इस तरफ का गर्म होने लगता है, ठंडा होने लगता है। तो ये परफेक्ट बैलेंस चल रहा है, तो ये भी एक सोर्स ऑफ हीट है। ठीक है, अच्छा, तो अब आप मिसाल के तौर पे, ये हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे कहीं पे हम अर्थ पे खड़े हैं। अब जब अर्थ से मैं जाऊँगा ना 10,000 फीट की बुलंदी पे, तो मैं कहीं इस जगह पे पहुँच जाऊँगा। ये जगह ठंडी है, सख्त ठंडी है, स्पेस के अंदर सख्त ठंड है। ठीक है, ये मैं जा रहा हूँ ना सूरज के करीब जा रहा हूँ अभी, तो ये मैं ठंड में पहुँच गया। अच्छा, लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगा ना 10,000 फीट पे, तो ये गर्म है ना। अच्छा, और अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगा 10,000 फीट में, तो भी नस्बतन ठंडा है, जो यहाँ पे था उसके नस्बतन ठंडा है। अच्छा, लेकिन अगर मैं 10,000 फीट से और ज़्यादा नज़दीक चला जाऊँ, यहाँ चला जाऊँ, तो ये अल्टीमेट गर्म है। ठीक है, तो ये कहीं कहीं ना कहीं लाया कर रहा होता है कि कौन सा जो एरिया है कितने डिस्टेंस पे वो कितना ज़्यादा जो है गर्म या ठंडा है। सही है, तो ये एक सोर्स ये वाली है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो इस वजह से क्या होता है, जब आप 10,000 फीट पे जाते हैं तो वो ठंडी होती है। तो अल्टीमेटली जब आपकी हीट यहाँ से छत से चपकेगी और यहाँ से बाहर निकलेगी और टॉप पे जब जाएगी ना, तो ऊपर जाके वो ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होकर फिर ये एक बैलेंस चल रहा है, वो नीचे आ रही है, ऐसे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, हो रहा है। ठीक है, वरना मतलब मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आइडियली तो फिर ये होना चाहिए ना कि अच्छा यार, अगर यहाँ से हवा गर्मी निकल के जा रही है 10,000 फीट पे, तो वो सख्त ठंडी है, तो सख्त ठंडी को तो नीचे आना चाहिए वापस, तो वो नीचे आके हमें ठंडा करके मार क्यों नहीं दे रही। -70 होता है जब जहाज़ पर आप ट्रैवल करते हैं ना, उसमें वो दिखा रहा होता है मीटर पर कि बाहर के टेम्परेचर क्या है,
तो -75 -100 -120 ये होता है डिपेंडिंग ऑन कि आप 15,000 फिट पे या 35,000 फिट पे। आपको देखिएगा गूगल करके कि क्या टेम्परेचर होता है किस एल्टीट्यूड पर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी नहीं होती वहाँ पे, तो बाहर निकल के चेक नहीं कर सकते, वो सेंसर से डेटा आ रहा होता है। तो मतलब अल्टीमेटली तो ये होना चाहिए फिर कि वो ठंड सारी नीचे आ जाए और हमें डिस्ट्रॉय कर दे। वो हमें इसलिए नहीं डिस्ट्रॉय कर सकती कि ज़मीन कंटिन्यूसली गर्म हो रही है, सूरज उसको गर्म कर रहा है। अगर सूरज 2 मिनट के लिए हट जाए ना तो वो ठंड ज़ाहिर है नीचे की तरफ ट्रैवल करती है ठंडी हवा, वो नीचे आएगी, हम सब ठंड से मर जाएंगे। सही है, तो ये अल्टीमेट डिज़ाइन था। अच्छा, तो मैं ये जिक्र कर रहा था कि ये टावर एसी है ना, इसमें डिज़ाइन एलिमेंट क्या है। आम तौर पे ये टावर एसी जो है ये बनाए जाते हैं बड़े हॉल बड़े स्पेसेस के लिए। आम तौर पे उनकी जो सीलिंग होती है वो हाई होती है। अच्छा, और ये ठंडक करते हैं बहुत तेज़ी से, बहुत मतलब ज़बरदस्त किस्म का इसमें वो लगा हुआ होता है मैकेनिज़्म। जो ऐसे वाला एसी होता है ना जो सर के ऊपर आपके होता है, वो छोटा एसी होता है। आमतौर पर वो छोटे कमरे के लिए छोटे स्पेसेस के लिए डिज़ाइन होता है। उसके अंदर चीज़ को मद्देनजर रखते हैं पावर एफिशिएंसी, कि भाई कम बिजली में ज़्यादा कूलिंग करें। ठीक है, छोटा होता है वो बिजली बचाने वाला चक्कर होता है इसमें। इसमें वो वाला चक्कर कुछ भी नहीं है। इसमें ये होता है कि भाई बिजली जितनी ले तेज़ ठंडा कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो ये इतनी तेज़ी से ठंडा करता है और ऐसे यूँ ये इसका काम क्या होता है कि ये भी आप पे शावर कर रहा होता है, ठंड को शावर कर रहा होता है। ठंड ऐसे ऊपर से आपके आती है एक सर्टेन वे तक, मिसाल के तौर पर उसका प्रेशर इतना यहाँ तक फील कर रहा होगा कि प्रेशर से हवा आ रही है, तो वो ऐसे यूँ आ रही है प्रेशर से हवा और दरमियान में वो शावर हो रहा है नीचे। शावर होकर वो नीचे सीलिंग पे बैठ रहे हैं। अच्छा, अब सीलिंग पे बैठने का मतलब क्या है? नीचे ठंडी हवा है, अगर वो जो हवा फेंक रहा है वो नीचे मौजूद हवा से ज़्यादा ठंडी हुई तो बॉटम पे जाके चमक जाएगी। अच्छा, अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बॉटम पे फुल ठंडी हवा होगी, बॉटम पे फुल ठंडी हवा होगी। उसके बाद जो वहां से ठंडी हवा आएगी वो उस पर स्टैक होगी, स्टैक होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अल्टीमेटली इनका गोल क्या होता है कि जो ह्यूमन हाइट है 5 फिट 6 फिट जो हाइट है, इतने पे ना ठंडक को स्टैक कर दिया गया। इसका डिजाइन ये है। अच्छा, बाकी जो ऊपर का स्पेस है वो गर्म रहे, उसको ठंडा हमने करना भी नहीं है क्योंकि ह्यूमन तो 6 फिट पे। अच्छा, अब होता क्या है कि जब ह्यूमन चलते हैं ना उसके ऊपर, तो वो जाहिर है हम एयर के अंदर चल रहे हैं, ठंडे स्पेस में चल रहे हैं, तो ठंडे स्पेस में डिस्टॉर्शन आती है, ठंड उसमें आपस में ना इंगेज होती है। अब वो जब वो हवा गर्म होती है, हम चलते हैं ना जब उसमें डिस्टॉर्शन आती है, जब गर्म होती है तो वो ऑटोमेटिकली इस स्पेस से ऊपर चली जाती है। अच्छा, ऊपर क्योंकि हाई सीलिंग है तो ऊपर जा रही हुई हवा जो है वो अल्टीमेटली कभी ना कभी ठंडी होकर वो फिर नीचे आ जाएगी। अच्छा, इसमें आमतौर पर छत के ऊपर ना कुछ एग्जॉस्ट सिस्टम भी लगाए हुए होते हैं, बड़े जो मॉल्स वगैरह होते हैं उनमें, अब वो बताते नहीं है अब ना आपको दिखता है वो, उसमें छोटे छोटे सेंसर होते हैं जो क्या करते हैं हवा के टेम्परेचर को सेंस करते हैं। जब वो देखते हैं ना यार एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो वो उसको करके उसको बाहर निकाल देते हैं, बोलते हैं भाई तू जा, समझ रहे हो। तो वो ठंड जो होती है वो कभी ऊपर पहुंचती नहीं है। आम तौर पे हमारे यहाँ क्या तसव्वुर किया जाता है कि एसी लगाया ना तो सारे खिड़की दरवाजे सुराख बंद करो, कूलिंग को अंदर कैद करो। दिस इज़ नॉट द पॉइंट, ये तो पॉइंट है ही नहीं। पॉइंट तो थर्मोडायनेमिक्स बता रहे हैं हमें। तो नीचे का जैसे इस वाले एसी के केस में 6 फिट तक का जो हिस्सा है वो साइडों से सील होना चाहिए, इसके ऊपर का जो हिस्सा है ना उसमें कहीं ना कहीं सुराख होना चाहिए जिससे एग्जिट हो गया हो, समझ रहे हो। इसका जो डिज़ाइन है वो स्टैक करने के लिए डिज़ाइन हुआ है, इसका जो डिज़ाइन है वो शावर करने के लिए डिज़ाइन है। ये एग्जिट का नहीं सोचते, ये कहते हैं अच्छा छोटा स्पेस होगा जो है इसी में सील वाला हिसाब के बारे में, उसी को सर्कुलेट करना है, उसी को ठंडा करना है बार बार। अच्छा, छोटे स्पेस में कम लोग होंगे, 1-2 लोग होंगे, बड़े स्पेस में हज़ारों की तादाद में भी हो सकते हैं लोग। तो डिपेंडिंग ऑन कि कितनी क्वांटिटी है, वो चारों तरफ 2-2 4-4 ऐसे टावर एसी लगा देते हैं तो वो स्टैक हो जाता है। इवन दो इस एसी के अंदर ये भी कैपेबिलिटी है कि कनातों के अंदर भी ठंडक कर सकता है। अगर कनातें लगी हुई ना सील है साइडों से, 6 फिट तक सील है साइडों से, तो कनात के अंदर आप ये एसी लगाएंगे परफेक्ट काम करते हैं थियोरेटिकली। सही है, वो तो जाहिर है जब लगाएंगे तो पता चलेगा कि क्योंकि कनातों की फिर क्वालिटी क्या है, फिर कनात इटसेल्फ ही गर्म हो जाते हैं अगर, ठीक है, क्योंकि कुछ जगहों पे वो ब्लैक कलर की कनातें होती हैं, वो तो गर्म हो जाती हैं, ब्लैक कलर गर्म होता है बाई डिफ़ॉल्ट। तो ये हमने डिज़ाइन एलिमेंट सीखा इस एसी का। अच्छा,
जहाज का जो डिजाइन है, जहाज के जो दो पर लगे हुए हैं ऐसे यूं लंबे, क्या वो उसका डिजाइन एलिमेंट है? क्या उस पर को जहाज के डिजाइन में काउंट करेंगे हम? या बताओ उसका क्या डिजाइन एलिमेंट है? बैलेंस करता है वो, मगर हेलीकॉप्टर में तो नहीं होता, वो भी उड़ता है। नहीं, हेलीकॉप्टर बाय द वे काफी बड़े भी होते हैं, हेलीकॉप्टर इतने बड़े भी होते हैं कि पैसेंजर जहाज जितने बड़े हैं। कार्गो हेलीकॉप्टर होते हैं, अगर किसी ने नहीं देखे बड़े वाले हेलीकॉप्टर तो मैं दिखा देता हूँ। बिग कार्गो हेलीकॉप्टर सही है, ये वाले जो है ना, ये वाले देख रहे हो इसको, ये जो नीचे खाली है ना हिस्सा, ये कंटेनर के ऊपर ऐसे आता है यूं, और कंटेनर को ना इससे यहाँ से नट बोल्ट से इधर फिट कर देते हैं और उस कंटेनर को ले गए उड़ता है अगली, मतलब कंटेनर या कोई भी ऐसी चीज़ हो, ठीक है। उसके अलावा ये वाले हैं, ये CH-46 जो है, ये मिलिट्री ही यूज़ करती है कार्गो हेलीकॉप्टर आमतौर पर, क्योंकि कार्गो हेलीकॉप्टर जो है और जो कार्गो प्लेन है उन दोनों में डिफरेंस ये देख रहे हो, ऐसे ये कैसे खड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है केकड़ा है। ये बहुत बड़ा होता है साइज में, ये छोटे पैसेंजर जहाज से बड़ा होता है ये। एक तो बिल्कुल बोइंग 757 है ना, वो तो बहुत बड़ा है, उतना जितना नहीं है ये, लेकिन जाहिर है वो छोटे मोटे जो होते हैं पैसेंजर जहाज एयर ब्लू वगैरह के जो हमारे चल रहे हैं उनसे तो ये बड़ा है। बंदा थोड़ी बैठेगा, पायलट इधर बैठेगा, यहाँ इधर बंदा नहीं बैठेगा ना, ये तो कार्गो है, सामान वगैरह भारी टैंक वैंक सारे इसमें चले जाते हैं। ये वाला जो हमारा जहाज है ना, ये वाला, ये जो हेलीकॉप्टर है, इसके अंदर 20-25-50 टैंक आ जाते हैं, इतना बड़ा होता है ये, ये बहुत बड़ा होता है। तो इसमें और ये इसका भी एक डिज़ाइन एलिमेंट एक और भी है इसके अंदर, स्पेसिफिकली तुम ये डिस्टेंस नोट कर रहे हो, आगे वाले पंखे का और पीछे वाले पंखे का डिस्टेंस नोट करो। दो पंखे चल रहे हैं और दोनों पंखे की जो लंबाई है ना, ये पंखे आपस में टकरा जाने चाहिए, लेकिन ये टकराते नहीं हैं। पता है क्यों नहीं टकराते? ऊपर तो है, लेकिन ऊपर के अलावा भी एक चीज़ है, ऊपर है तो क्या हुआ, ऊपर यूं यूं फ्लक्चुएट भी तो करते हैं, टकरा जाएंगे, ऊपर होना इज नॉट द थिंग। सेंटर के अंदर आ जाते हैं, सिंक्रोनाइज हुए हुए होते हैं ये आपस में, कि ये देख रहे हो तुम, ये जो जा रहा है ये पर जब आगे की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये पर इधर से एंटर हो रहा है, अब ये पर जब क्रॉस हो जाएगा ना, तो फिर ये वाला इधर आएगा, तो ये आपस में सिंक्रोनाइजेशन होती है इसकी, जिसकी वजह से ये टकराते नहीं है। ये इसका डिज़ाइन एलिमेंट है बहुत बड़ा, कि भाई दो पंखे भी हैं, जाहिर है इस पंखे को अगर इस तरह नहीं करते तो क्या करते, पर छोटे कर देते तो उसकी वो स्ट्रेंथ कम हो जाती, उसका जो थ्रस्ट है वो कम हो जाता, तो पंखे को छोटा नहीं कर सकते थे, या पंखे को दूर कर देते वो भी मसला नहीं था। अब ये पंखे दो चाहिए भी दो थे, एक बहुत बड़ा पंखा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जाहिर है पर बहुत ज़्यादा लंबा होगा ना, फिर तो वो काम नहीं करेगा, वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, यूं ही हो जाएगा। तो इन्होंने इस तरह से इस मसले को हल किया, और ये बड़े कामयाब हेलीकॉप्टर्स हैं। प्लेन ऑन, मतलब एक प्लेन में और एक हेलीकॉप्टर में जो एडवांटेज होता है ना हेलीकॉप्टर का आर्मी को, वो ये होता है कि उसको ट्रैक नहीं चाहिए होता है, कहीं पर भी उसको उतारा जा सकता है, ठीक है, इवन दो उतारते भी नहीं है, बस थोड़ा ज़मीन से एक फिट ऊपर रख के ही ना, बस बंदे बंदे खुदवा के और सामान वान उतरवा के वो फिर चला जाता है। मिसाल के तौर पर कहीं भी कीचड़ है, सैलाब आया हुआ है, जाहिर है सैलाब में तो नहीं उतार सकते उसको, पानी चला जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा, पहिए वहीये में भी पानी टच हो गया अगर तो गड़बड़ है फिर, तो वो एक फिट ऊपर ही रख के ना वो फेंकते हैं सामान ऊपर से उठा उठा के, और नीचे वो सामान पहुँचा के फिर वो देखते हैं आसपास कहीं जो भी प्रॉपर जगह होती है वहाँ उतार लेता है वो। सही, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उतर नहीं सकता, तो प्रॉपर जगह देख के कोई उस पर उतार लिया जाता है फिर उसको, तो ये एडवांटेज होता है। इसलिए आर्मी में और मिलिट्री में ना आपको ये हेलीकॉप्टर ज़्यादा नज़र आएगा, ठीक है। एक हेलीकॉप्टर ये वाला है, ये भी कार्गो है, ये बंदा जो खड़ा हुआ है, इससे आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये साइज़ क्या है इसका। अच्छा,
हाँ नहीं ऐसे तीन चार हैं जो डबल फैन वाले हैं ना, डबल फैन वाले तीन चार हेलीकॉप्टर्स हैं। हाँ भाई, तो डिजाइन एलिमेंट जहाज के दो पंखों का कौन बताएगा? टर्निंग से ताल्लुक नहीं है उसका। मैं ये बैलेंस करने के लिए पूरा वेट दिया ये जो पंखे लगे हुए हैं ना दोनों साइडों पे इसके, ये जो पंखे लगे, ये जो पंखे, पंख तो नहीं बोलेंगे इसको हम, ये क्या बोलते हैं इसको, विंग्स हैं यार। एयर को क्रॉस करने के लिए नहीं, पहले तो मेरा ये सवाल है कि क्या ये डिजाइन एलिमेंट है, उसमें हाँ या नहीं, और क्यों है फिर? डिजाइन एलिमेंट तो है, इस पर सब मुत्तफिक है क्योंकि इंजन लगे हुए होते हैं, तो अगर ये नहीं होता तो इंजन कहाँ लगते थे? सही है, इंजन फिर हमें कहीं और लगाने पड़ते, तो आइडियल प्लेस इंजन के लिए वो ये है। अच्छा, एक तो ये हो गया, और मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ हैं इसकी, उड़ने में भी मदद देता है। ठीक है, आम तौर पे क्या होता है कि हेलीकॉप्टर जो होता है ना, हाँ हेलीकॉप्टर जो होता है ना, उसका जो फ्यूल एफिशिएंसी होती है वो जहाज़ से कम होती है। मिसाल के तौर पे कि 10 लीटर फ्यूल में जितनी दूर हेलीकॉप्टर जाएगा ना, और जितना वेट उठा के जाएगा, दो फैक्टर है ना, तो डिस्टेंस और वेट कितना उठा के जा रहा है। ये वाला एयरप्लेन जो होता है, ये सेम पेट्रोल में उससे ज़्यादा वेट उठा के उससे ज़्यादा दूर जाएगा थियोरेटिकली। ठीक है, अच्छा वो इसलिए थियोरेटिकली क्योंकि दोनों की स्ट्रेटजी में फ़र्क है। हेलीकॉप्टर में क्या होता है कि जितना हेलीकॉप्टर का वेट है उतना थ्रस्ट जनरेट करना होता है पंखे के ज़रिए अपोजिट। मिसाल के तौर पर अगर 1 टन वज़न है ना उस हेलीकॉप्टर का, तो 1 टन का थ्रस्ट नीचे फेंकना पड़ता है, तो वो फिर ऐसे लिफ्ट होना शुरू हो जाता है, और ये लिफ्ट होना शुरू हुआ है अभी। अब ऊपर जाने के लिए उसका डबल थ्रस्ट करना पड़ता है, जबी तो वो फिर प्रॉपर एक हाइट पे जाके खड़ा रहेगा वहाँ पर, और वो कंटिन्यूसली ना वो थ्रस्ट मार रहा होता है वो उतनी वेट का। सही है, यही वजह है कि आपके सर के ऊपर से अगर हेलीकॉप्टर गुजर जाए ना तो आपकी मौत भी हो सकती है। भारी वाला एक तो हल्के वाले होते हैं, छोटे छोटे चॉपर्स की बात नहीं, और ये बड़े वाले हेलीकॉप्टर। अब एक बड़ा हेलीकॉप्टर है वो आपके सर के ऊपर से अगर गुजर गया और आप रेडी नहीं थे उसके लिए, तो आपको ज़ोर से झटका पड़ेगा, आप गिरेंगे ज़मीन पर, सर्वर फट जाएगा, खुल जाएगा। जाहिर है 1 टन का वज़न अगर कोई हेलीकॉप्टर उठा रहा है, उठा के वो जा रहा है, तो उसका मतलब है उसके नीचे 1 टन का वज़न पड़ेगा आपके ऊपर हवा का, गेम ओवर हो जाएगा। अच्छा, ऑन अदर हैंड एरोप्लेन की स्ट्रेटजी क्या होती है कि ये पहले तो इसको यूँ भगाते हैं स्पीड से ट्रैक के ऊपर, जब इसकी इनफ स्पीड हो जाती है ना, तो इसके जो दोनों पर हैं उसको हल्का सा यूँ घुमाते हैं ऐसे यूँ। अब यूँ जब वो घूमेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली लिफ्ट जनरेट कर देते हैं। हाँ, अल्टीमेटली जब ये हवा में पहुंचता है ये प्लेन, तो ये हवा में तैर रहा होता है। सही है, वो हवा में ये तैर रहा होता है, असल में हवा में ये नीचे थ्रस्ट नहीं जनरेट कर रहा होता, ये नॉट एट ऑल। इवन दो कि अगर मैं इंजन इसके बंद भी कर दूं, दोनों तीनों चारों इंजन जितने भी होते हैं, तो भी ये तैरता रहेगा। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है स्पीड से वो फिर वो लिफ्ट लेता है ना, वो स्पीड से ताल्लुक है लिफ्ट का, जितनी स्पीड से वो जा रहा होगा और उसको पर को यूँ घुमाऊंगा मैं तो लिफ्ट लेगा वो। ठीक है, लेकिन इंजन बंद करने के बाद भी ना इसको ये फ़ौरन नीचे नहीं आ जाएगा, हाँ ये तैरता रहेगा, तैरते 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 ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा, काफ़ी टाइम होता है। यानी इंजन बंद होने के बाद अगर आप 35,000 फीट की बुलंदी में, तो कम से कम आपके पास ना 1 घंटे का टाइम होता है। 1 घंटे में वो आप उसको तैरा के आप कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, उसको समंदर वमंदर पे आमतौर पे लेके जाया जाता है, ऐसा होता है आमतौर पे। तो मतलब डिफरेंट स्ट्रेटजी है बिल्कुल। बच्चों फिर तुम लोग लगे हुए आपस में हमें भी मछली, जो परिंदा होता है वो भी तैर रहा होता है बाइक में, चील होती है ना वो ऐसे यूँ पर करके यूँ घूम रही होती है मजे से, तो वो मतलब अच्छी खासी ऊंचाई पे, तो वो अगर यूँ किया हुआ उसने तो वो एकदम थोड़ी नीचे आ जाएगी, और वो तैरते 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 थोड़ा नीचे आई, फिर उसके बाद आप देखना वो फिर हिलाना शुरू कर देती है, फिर वो ऊपर जाती है, फिर वो तैरते तैरते ऐसे नीचे आती है चील ना, उसको अगर तुम गौर करो तो ये डिज़ाइन एलिमेंट है इसका, ये पर जो है इसका ये डिज़ाइन एलिमेंट है। अब इसकी दो चीज़ें हो गई, नंबर 1 इंजन इस पर लगा हुआ है, नंबर 2 इसी के मूवमेंट से ना वो जहाज़ यानी
हाँ ऊपर या नीचे जाता है, नहीं एल्टीट्यूड गेन करता है या लूज करता है इसकी मूवमेंट की, ज़ाहिर है नीचे भी तो लाना है ना, तो उसको अपोजिट घुमाते हैं तो एल्टीट्यूड लूज करता है रेंजर। तो ये दो चीज़ें हो गई, एक तीसरी फंक्शनैलिटी भी है इसकी। अब मिसाल के तौर पर क्योंकि इंजन होते हैं भारी, अच्छा इंजन होते हैं ये जेट इंजन, जेट इंजन क्या होता है असल में, एक फ़ैन होता है वो घूमता है बहुत तेज़ी से और आगे से हवा को खींच के ना पीछे से फेंक रहा होता है, तो वो जब इस तरह से फ़ैन, तो ये उससे आगे बढ़ता है जहाज, और वो फ़ैन इतना तेज़ घूमता है कि 400-500 की स्पीड लैंडिंग तक वो पहुंचा देता है उसको जहाज़ को। और चार फ़ैन होते हैं फिर डिपेंडिंग ऑन कि वो कितने ज़्यादा फ़ैन है और वो कितने बड़े फ़ैन हैं, इंजन की पावर का अंदाज़ा आप लगाते हैं फिर उससे कि अच्छा ये इतना पावरफुल है, इतनी स्पीड हो सकती है इसकी, इतने एल्टीट्यूड पर जा सकते हैं। तो क्योंकि वो इतना भारी इंजन होता है और वो इतनी तेज़ी से घूम रहा होता है, तो इस पर्क को ज़रूरी है कि बहुत ही मज़बूत बनाया जाए, बहुत ही मज़बूत बनाना जाए इसको। अच्छा जहाज़ के केस में हमें इसका वज़न करना है लाइट से लाइट, क्योंकि अंदर कार्गो पैसेंजर भी तो है ना, इस जहाज़ का जो कार्गो है वो तो पैसेंजर्स हैं, उनका एक अपना वेट है, फिर इंजन वगैरह का वेट अपना है, तो बॉडी को मज़बूत भी हो और लाइट वेट भी हो। तो इसके लिए एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं ये, और कुछ जगहों पे लकड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं जहाज़ में, लाइट वेट लकड़ियाँ होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये पर के अंदर ना अच्छा खासा मेटल डालना पड़ता है, इसी वजह से ज़्यादा सामान जाने में। हाँ कार्गो इज़ द थिंग ना यार, कार्गो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होगी। तो अब इसके अंदर इतना अच्छा खासा मटेरियल डल जाता है, ये अच्छा खासा मोटा होता है ये पर, अगर आप इसको करीब से देखेंगे ना तो इतना मोटा होता है, ऐसे इससे भी ज़्यादा मोटा होता है, बहुत मोटा होता है और लंबा भी अच्छा खासा होता है, यानी समझ लो 1, 2, 3, 4 ये 5-6 सीटें जितना लंबा होता है, जो हाँ ये 5-6 रो जो है ना इतना लंबा होता है ये वाला पर, एक पर। तो अब इस इतना बड़ा ये ढांचा जो बन गया, तो ये तो बड़ा मसला हो गया। तो इन्होंने क्या किया, बोला कि यार फ्यूल इसके अंदर रखेंगे हम, ज़ाहिर है अंदर से खोखला है वो, ज़ाहिर एंगल से बना हुआ होता है ना, वो अंदर से ये खोखला होता है, उन्होंने बोला चलो फ्यूल भर दो इसके अंदर। फ्यूल के अलावा जो आपका सामान रखा हुआ होता है सारा, वो भी इसके अंदर होता है, ठीक है, फ्यूल भी इसमें, फ्यूल टैंक भी इसमें, तो एक्स्ट्रा एक स्टोरेज है ये काइंड ऑफ जहाज़ के अंदर, तो इसमें काफ़ी कुछ उन्होंने भरा हुआ होता है, स्टोरेज के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटी है इसकी। तो जहाज़ जो है उसके अंदर जो ये फ़ैन है, ये इसका अल्टीमेट डिज़ाइन एलिमेंट है ये फ़ैन इट्सेल्फ, कि इस फैन की वजह से ये पॉसिबल हुआ है कि ये जहाज़, वरना फ्यूल टैंक कहीं तो बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, बैली में बना नहीं सकते थे, बैली में बनाएंगे तो कभी अगर जहाज़ क्रैश होगा ना तो फ्यूल पहले टकराएगा और फ्यूल में लग जाएगी आग, और अंदर बैठे हुए बंदे बारबेक्यू, छत पे बना नहीं सकते, छत पे बनाने से ये होगा कि कभी अगर वो फ्यूल का टैंक अगर लीक वीक हुआ तो लोगों के सरों पे फ्यूल आएगा, फिर से बारबेक्यू। अच्छा साइड पे फिर अब ये हो गया ना, तो ये सेफ़ हो गया, निस्बतन सेफ़ हो गया, क्योंकि फ्यूल को समटाइम ज़ाया भी करते हैं, पता है ये बात आपको, फ्यूल को ज़ाया भी करना पड़ता है, कभी मिस कैलकुलेशन हो जाती है, आपने अक्सर देखा होगा ऊपर जो दूर रॉकेट जा रही होती है वाइट धुआं छोड़ते हुए, वो असल में फ्यूल ज़ाया कर रहे होते हैं, फ्यूल को निकाल रहे होते हैं वो जहाज़ में से, फिर वो धुआं छोड़ते 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 रॉकेट अचानक धुआं छोड़ना बंद कर देती है ना, वो फ्यूल जितना निकालना होता है उसने निकाल लिया होता है। तो वो क्यों होता है ऐसा, ऐसा इस वजह से होता है कि सम टाइम हर जहाज़ जो होती है, ख़ासतौर पे बड़ी जहाज़ जो होती है, उसका जो टेक ऑफ का वेट होता है और लैंडिंग का जो वेट होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक सर्टेन वेट को लेके वो उड़ तो सकता है लेकिन लैंड नहीं कर सकता, लैंडिंग उसकी वेट कम वेट पे होती है, क्योंकि टेक ऑफ जो होता है ना काफ़ी स्मूथ रहता है, टेक ऑफ में क्या होता है कि ऐसे स्पीड से जाते हैं और स्पीड से जाके ना वो आहिस्ता आहिस्ता यूँ फ्लोट करने लग जाता है, हवा में लिफ्ट हो जाता है, लैंडिंग में सीन कुछ और होता है, लैंडिंग में समटाइम धड़ करके लगता भी है, ग्रेविटी उसको खींचती है अपनी तरफ ना, तो वो जितना भी स्मूथली करें थोड़ा लगता है। अब तो खैर वो मसला भी काइंड ऑफ हल हो गया क्योंकि ऑटोमेटिक लैंडिंग होती है, ठीक है, गाड़ी की पार्किंग ऑटोमेटिक होती है तो लैंडिंग भी ऑटोमेटिक होनी चाहिए ना, अब तो होना ही चाहिए था ये, तो अभी खैर ये मसला हल हो गया। लेकिन फिर भी जहाज़ जिन्होंने बनाया होता है ना, उन्होंने ये लिखे राइटिंग में उन्होंने लिख के दिया हुआ होता है कि इस जहाज़ का टेक ऑफ का वेट इतना है, सही है, मिसाल के तौर पे 6,000 टन है टेक ऑफ का वेट, लैंडिंग का वेट जो है ना इसका
वो 5,500 टन। अच्छा, तो ये 500 टन का जो फ्यूल है ना, जो वो फ्यूल 500 टन का होता है, बाकी पैसेंजर जो 550 टन के पैसेंजर और जहाज़ और बंदे बंदे जो भी क्रू और सब कुछ मिला के वो होता है। और ये बिल्कुल एज पे चला रहे होते हैं ये ज़्यादातर एयरलाइंस, ठीक है, और बिजी एरियाज़ में ख़ास तौर पे, अगर तो खाली एयरप्लेन आता वो बात और है। तो बिल्कुल एज पे। अब मिसाल के तौर पे सम टाइम ये होता है कि मिस कैलकुलेशन हो जाती है, जहाँ जाना होता है ना वहाँ जा, मिसाल के तौर पे ट्रैवल बहुत शॉर्ट है, अब उसमें चाहिए सिर्फ 100 टन चाहिए फ्यूल, अब वो किसी ने 3,000 टन उसमें डाल दिया, 300 टन डाल दिया फ्यूल। अब होता क्या है कि जब वो लैंड करने के लिए जब जा रहे होते हैं ना, तो जहाज़ को पता होता है कि इसका वेट क्या है, शायद रीडिंग आ रही होती है, शायद उनको पहले से ही रीडिंग पता होती है क्या होता है, तो फ्यूल पता चल रहा होता है कि कितना फ्यूल मौजूद है, इस फ्यूल का वेट क्या होगा, वो पायलट को दिख रहा होता है, तो वो फिर परमिशन लेता है कि अच्छा यार मेरे पास वेट ज़्यादा है, मैं लैंडिंग नहीं कर सकता, तो वो कहते हैं यार एक चक्कर मारो आप, या रास्ते में ही उसको फील हो जाता है कि यार अभी ये तो गलत टेक ऑफ हो गया, तो वो टेक ऑफ करते ही वो क्या करते हैं, वो उस फ्यूल को ज़ाया करते हैं, यानी 100 टन फ्यूल तो जल के ख़त्म हो जाएगा, बाकी जो 200 एक्स्ट्रा है ना, जो वो भी उस सूरत में कि जब जहाज़ का लैंडिंग वेट इक्वल नहीं हो रहा जब तक, ठीक है, वो भी जब उस केस में, अगर तो है पीछे पैसेंजर खाली पड़े आधे तो भले वो खैर हो गई, फिर उसको ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं होती, तो लैंडिंग के वक्त कुछ ना कुछ करके उनको 5,500 टन पे वेट को मेंटेन करना है, अगर 1 टन भी उससे ज़्यादा है तो उतने फ्यूल को वो ज़ाया करते हैं हवा में ही, और हवा में ज़ाया करके उस वेट को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो वो अब फ्यूल को बाहर निकालना भी ईजी है, क्योंकि साइड में वो नीचे उसके वेल्व होते हैं, ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं, खोल देते हैं उसको, निकलता रहता है फ्यूल वहाँ से, और वो सर्टेन टाइम में उनको पता होता है कि इतने पर मिनट कितना फ्यूल उससे ज़ाया होता है उस वेल्व में से, उतने मिनट तक खोलते हैं उसको फिर बंद कर देते हैं। तो ये उसका डिज़ाइन एलिमेंट है। अच्छा, जहाज़ का जो शेप होता है, एक आखिरी ये डिज़ाइन एलिमेंट डिस्कस करके फिर हम मूव करते हैं, तो उसका जो शेप होता है और एक बस का जो शेप होता है काफ़ी डिफरेंट होता है। बस का जो शेप है वो चकोर होता है, आमतौर पर रेक्टेंगुलर होता है, और कॉर्नर्स होते हैं, जैसे ये एसी भी टावर एसी ना, इसके कॉर्नर हैं, राउंडेड कॉर्नर्स होते हैं, लेकिन वो बाकायदा एक बॉक्स शेप होता है। ऑन अदर एंड जो जहाज़ होता है ना, वो ऐसे गोल मटोल मुन्ना चुन्ना सा होता है, फिर ऐसे लिपस्टिक लगा के जा रहा है, और यानी बस जैसा, देखो बस भी पैसेंजर कैरी कर रही है, जहाज़ भी पैसेंजर कैरी कर रहा है ना, तो दोनों का जो शेप है इतना डिफरेंट क्यों है? एरोडायनेमिक का चक्कर है, फ्रिक्शन का चक्कर। इसको गोल मटोल इसलिए रखते हैं कि हवा ना ईजिली हवा को चीर के आगे जा सके, इसलिए रखते हैं। अच्छा, कौन मुझे ये बताएगा कि बस को क्यों नहीं ऐसा रख, बस भी तो भाई ऐसा होना चाहिए ना उसको, तो नहीं एरोडायनेमिक जैसे हर गाड़ी में होता तो है ना, बस को भगाना नहीं है, सही है, बस को चलना है स्लो स्पीड में। बस की पूरी दुनिया में बस की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 60 होती है या 70 होती है कहीं, इस हाँ कोच, हाँ तो बहरहाल, तो पूरी दुनिया में जो बस की स्पीड होती है ना वो थोड़ी स्लो ही होती है, बहुत तेज़ नहीं भगानी होती बस हमें, ठीक है। दूसरा ये है कि बस को चकोर शायद इसलिए भी रखते हैं कि दूर से दिखे तो सही, आती भी ऐसे, अगर ऐसा शेप होगा ना बस का तो दूर से दिखेगा नहीं कि क्या है, ट्रेन को भी, ट्रेन तो चलो बुलेट ट्रेन होती है बहुत स्पीड वाली, तो बुलेट ट्रेन की शेप आपने देखा ऐसा ही होता है जहाज़ जैसे, लेकिन नॉर्मल ट्रेन जो होती है उसका जो शेप होता है वो स्क्वायर होता है काइंड ऑफ, तो वेल अब वो ट्रेन की डिस्कशन अलग है, उसको मैं शाम, तो अभी बस और हम जहाज़ पे हम रखते हैं उसको, कि बस का जो शेप चकोर रखा जाता है वो शायद इसलिए रखा जाता है कि दिखे दूर से आते हुए, और उसको भगाना नहीं होता इतनी तेज़, तो जितने हवा जितनी हमारे पास है उतने में स्क्वायर में सेट अवेलेबल, ओके सही है। अच्छा, तो कौन मुझे ये बात बताएगा कि मैं पंखे को ऐसे नीचे क्यों कर देता हूँ? भाई ठंडी हवा तो नीचे तो ठंडी है ऑलरेडी, हवा गर्म तो ऊपर है ना, मतलब मैं इसका असूलन तो मुझे इसका मुंह ऊपर करना चाहिए, नहीं माइक में आवाज़ ना जाए, सही है, मेन रीज़न ये है,
अच्छा एक बात और भी कही जाती है कि अगर आप मतलब बॉडी का मेरा एक पार्ट अगर ठंडा हो रहा है ना, तो वो दूसरे पार्ट तक भी ठंडक पहुंचा देता है, कहीं ना कहीं एग्जिट होता है। आपकी बॉडी का जो सबसे गर्म पार्ट होता है वो कौन सा होता है, मतलब सर से लेके पैर तक? या तो सर सबसे गर्म होता है या पैर सबसे गर्म होता है? नहीं, पैर गर्म होता है। सही है, पैर सबसे गर्म होता है। किसी भी एनिमल की जो बॉडी होती है ना, उसका जो बॉटम पार्ट होता है वो सबसे गर्म होता है और सबसे टफ होता है। यही वजह है कि मुर्गी की टांगों का सूप बनाते हैं। ठीक है, तो जो टांग होती है ना वो सबसे गर्म होती है। सबसे पहले ठंडी भी टांग होती है। अच्छा, इसका मैं आपको लॉजिकल एविडेंस देता हूँ कि आप सर्दियों में जैकेट टॉप पे पहनते हैं, बॉटम पे नहीं पहनते। जीन्स तो वैसे तो आमतौर पे मैं जीन्स पहनता हूँ, तो गर्मियों में भी लेकिन जीन्स पहनता हूँ, लेकिन टॉप मेरा सर्दियों में चेंज हो जाता है, जैकेट आ जाती है टॉप पे और गर्मियों में टी शर्ट आ जाती है। और बॉटम जो है ना मेरा, वो मैं सेम है मेरा, वो सर्दियों में उस पर मुझे कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, गर्मियों में समटाइम शॉर्ट्स पहन लेता हूँ मैं कि भाई थोड़ा ठंडा हो, लेकिन सर्दियों में ना बॉटम पे आमतौर पे बहुत देर में जाकर ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए ना, फिर बॉटम पे कुछ पहनना पड़ता है। हमारे डायनेमिक्स की बात कर रहा हूँ, तो क्या कहते हैं, बॉटम हमारा ना गर्म होता है टांग का। तो मैंने कहा यार एक पार्ट तो ठंडा हो जो सबसे गर्म चल रहा है। सही है। अच्छा, तो हमने समझ लिया ना कि क्या होता है। अब डिज़ाइनिंग फॉर वॉइस, कि वॉइस एप्लीकेशन जब आप बनाएंगे तो उसमें कौन से डिज़ाइन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रखे गए हैं और कौन से डिज़ाइन एलिमेंट वो हैं जिनका हमने ख्याल रखना है। यानी कुछ डिज़ाइन की चीज़ें तो प्लेटफॉर्म की एंड से आ रही होती है ना, प्लेटफॉर्म की एंड से कुछ चीज़ें आ रही, जैसे हे एलेक्सा उन्होंने रख दिया, फिक्स है भाई, वो प्लेटफॉर्म की एंड से वो है। कुछ चीज़ों का हमारी साइड से ख्याल रखना होगा। तो ये डिज़ाइनिंग फॉर वॉइस में ना दोनों चीज़ें डिस्कस होंगी कि कौन से डिज़ाइन एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका हमने ख्याल रखना है अच्छे से। ठीक है, तो डिज़ाइन की गुफ्तगू अभी ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ से शुरू हुई है।